इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, मतलब किसी स्फेरिकल शेल को आपने चार्ज किया, तो हमने कहा सपोज करिएगा ये एक शेल, शेल माने खोखला गोला, ठीक है, ये एक खोखला गोला है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे गोले पे पूरे स्फेयर पे फैल जाएगा, ये स्फेयर है सर्कल नहीं है ऐसे, ठीक है, तो ये चार्ज आपने माने प्लस चार्ज दिया, ये पूरे स्फेयर पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और इसकी रेडियस आपने क्या मान लिया, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और किसने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रखा है, चार्ज कितना दिया है आपने, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जरा ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन लोकेशन में हम निकालेंगे, एक तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर, एक निकालेंगे इस स्फीयर के ऊपर, और एक निकालेंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट केस लिखेंगे एट एन एक्सटर्नल, फर्स्ट केस लिखेंगे एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें ऐसा करिए टाइम निकाल करके, हमने आपको एक लिंक भेजा था उसमें कुलाम सुला से लेकर के लास्ट तक उन्हें पढ़ा दिया, तो एक डेढ़ घंटे का वीडियो है, उसको तो देख डालोगे अपने आप यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि क्लास बिल्कुल हमने जो पढ़ाया वही, ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लीजिएगा, हमने कहा सपोज करिएगा कि सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की, स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर से ग्रेटर है, ठीक है, अब वो पॉइंट कहां हो सकता है, वो पॉइंट इस स्फीयर के बाहर कहीं भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हमने लिया पी, ये कहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, ओ को सेंटर माना और आर रेडियस लेकर के एक स्फीयर खींच दिया, अब ये इस स्फीयर के ऊपर कहीं भी पॉइंट हो सकता है ना, ये थोड़ा इस पर टेढ़ा मेढ़ा तुम लोग बोलो ही मान लो इस सर्कल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, और कितनी डिस्टेंस पर ये स्फीयर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है, अब आपका तरीका क्या है भाई, टॉपिक लगाने का तरीका क्या है, कि इसका एक छोटा सा पार्ट आप लेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे स्फीयर से, पूरे पूरे जो चार्ज है उस पूरे चार्ज की वजह से निकल आएगा फ्लक्स, ये तरीका कितना किसका हो गया हमारा, फिर उसमें गॉस का तरीका लगाएंगे, और दोनों तरीकों को ये तरीका है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लिया, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, ये एरिया एलिमेंट डीएस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच कितना एंगल है, जीरो, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट क्या लिखेंगे, डी फाई ई, क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट डीएस, ई और डीएस के बीच एंगल कितना है, जीरो, तो ये हो जाएगा आपका ई डीएस कॉस जीरो, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, ईडीएस, अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू इंटायर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ड्यू टू लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू लिखिए, क्यों भाई, इसकी वजह से थोड़े है, इस छोटे से एरिया की वजह से, आप देखेंगे कि छोटे सरफेस एरिया डीएस के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स वो थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी इंग्लिश चलेगा, वो उतना काम चल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, इंटायर गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रल डी फाई, तो आप इसको क्लोज इंटीग्रल करेंगे डी फाई बोले तो E इंटू डी एस, ई बाहर कर दिया, अब इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया कितना होगा, किस किस स्फेयर का, जो गॉसियन सरफेस है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो 4πr², ये आपने ये किसने फ्लक्स निकाला है, ये किसने निकाला है, हम तुमने कहा निकाला है, एपी वाजपेयी ने निकाला, हम लोग निकाला, हमने निकाला है,
बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, बस इक्वेट कर दो, आंसर आ गया, ये इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेट कितना आएगा, E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यहां तक पहुंचे पहले आप। अब देखिए वैसे तो ये हो गया प्रूफ, लेकिन अगर हम क्योंकि ये जो चार्ज आपने दिया है ना कि पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली फैल गया है, तो अब अगर हम कहें कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आवेश का पृष्ठ घनत्व या एकांक क्षेत्र पे आवेश की मात्रा जो भी आप कहेंगे, तो सिग्मा कैसे निकलेगा, क्यू को किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से, किसके एरिया से डिवाइड करेंगे, गॉसियन सरफेस से, जिसको चार्ज दिया उससे करेंगे भाई, चार्ज तो इसके पास है, टेन की फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इस क्यू का वैल्यू यहां रखते हैं क्वेश्चन थ्री में, तो एक और फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग क्यू इन इक्वेशन थ्री, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू क्या आएगी, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान स्मॉल आर स्क्वायर, फोर पाई से फोर पाई कट गया, अब जो एक जैसे बिरादर है उनको एक साथ लिख दो, ठीक है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन अलग कर दो और कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर अलग कर दो, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया, कहां पर आ जाएगी, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने को निकालना था वो इस गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर है, नोट करें इसको। अगला पॉइंट क्या रखेंगे आप, कि जो पॉइंट आपका है वो कहां पर है, ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, तो सेकेंड केस लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर गॉसियन, तो सेकेंड केस आएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के पृष्ठ पे अगर आपको निकालना है, इसका मतलब जो आपकी ये दूरी है ना सेंटर से स्मॉल आर वो कितनी होगी, कैपिटल आर, डायरेक्ट लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री में, स्मॉल आर को क्या लिख दीजिए, कैपिटल आर, क्वेश्चन नंबर फोर में दीजिए, सो बाय क्वेश्चन थ्री एंड फोर E का फॉर्मूला क्या बनेगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर ले सकते हैं, या इसमें इसको लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है, कहां पे निकालना है आपको, ऑन द सरफेस, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आपको क्या दिखा रहा है, ये चार्ज कहां पर लग रहा रखा हुआ है, ऑन द सेंटर, इट इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एज्यूम टू बी का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा, मतलब हमारा मास 8 किलो है, तो कहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ बॉडी का कहां पर होता है, नाभि होता है, तो आपने चाकू लिया इतना काट लिया, काट के तब लाया जाकर के, तो यहाँ 60 किलो निकलेगा भाई, अगर नाभि हमारी ऐसे काट लो ऐसे जैसे तरबूज तरह काट के वर्मा चक्की पहुंच गए तब दो तो वजन निकलेगा 60 किलो, तो एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पर वो बॉडी बैलेंस की जा सकती है, ठीक है, तो ये लग रहा है कि पूरा पूरा चार्ज कहां पर है, सेंटर पे, अब लिखिए थर्ड केस, पहली वाला केस कंप्लीट करिए, अभी जो पॉइंट आपका है ये जो पी पॉइंट था ना यहां पर, पहले यहां पर आया था फिर यहां भी अंदर कहीं आ गया, यहां पर कहीं पॉइंट, ठीक है, अब जब यहां पर पॉइंट हो गया तो आप क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां से गॉसियन सरफेस खींचेंगे ऐसे, थोड़ा साफ साफ खींचेंगे,
और वही तरीका है यहां पर, यहां छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ये ds और ये e। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब चूंकि आप देखिए पूरी थ्योरी एक्सटर्नल पॉइंट पर लिख चुके हैं, इसलिए हर जगह पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे होगा सिमिलरली, यहां सिमिलरली यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है जो आपने डॉटेड से बनाया है। तो फाइ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, वो ईडीएस कॉस जीरो अपने आ जाएगा, तो ई बाहर हो गया और डीएस क्या हो गया? 4πr2। ये यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो इसको। अब जरा समझिएगा, गॉस थ्योरम की बात करता हूं। ये जो चार्ज है ना, ये इस गॉसियन सरफेस के बाहर है कि अंदर है? अंदर दिख रहा आपको? भाई चार्ज तो पूरा बाहर रिजाइड करता है, क्योंकि सेल है, ठीक है। और अगर किसी गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज रिजाइड करता है तो उस सरफेस से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो आप लिखेंगे एज क्यू इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, सो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बाई गॉस थ्योरम जीरो हो जाएगी। तो आपने कहा भाई ये वैल्यू आई है, उन्होंने कहा ये वैल्यू आई है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो बाय इक्वेशन 5 and 6, तो e इंटू 4πr² इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी किसी स्फेरिकल शेल के अंदर, खोखला सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मतलब मान लिया कहीं बिजली गिर रही है, कोई कार में है, कार में बिजली गिरी, तो कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यानी या कार पे बैठे व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगेगा, तब कार को जब नहीं छुओगे तब, तो कार बैठे हुए हो तो उसके लिए क्या करो? लटक जाओ उसी भाई, जय श्री राम, वैसे बीच में लटक जाए नहीं, हो सकता है ना। या तो कार में स्टूल रखो, तो सब लोग कार में एक दो स्टूल रखे, बेंच डाल लें, ये क्या बोले जब बिजली गिरेगी तो लोग बेंच बैठ जाएंगे, आप सीट को न छुए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर है, लेकिन झटका तो लगेगा यार, क्यों? पहली चीज तो कार की बॉडी से टच करता हुआ एक वो स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के ऊपर हल्का सा एक वो फॉर्म चढ़ा होता है, और फॉर्म में हल्का सा उसके ऊपर आप भारी भरकम बैठे होते हैं, तो भैया फॉर्म के सारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही जाएगा, जनरली उसके अंदर फील्ड जीरो रहता है, शर्त है उस बॉडी को टच ना किया जाए। ये पहले इस हेडिंग का मतलब समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर किसी शेप का हो सकता है, तो हम अपनी कन्वीनियंस से उसका शेप लेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में कुछ मोटा भी उस होगा, तो सरफेस एक इधर होगा किधर होगा, तो वो कंडक्टर की खास बात है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, तो चार्ज हमेशा उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। पहले आप समझ लीजिए कंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ऐसा, भाई जो बुक में लिखा वैसे होगा, हम अपने आप थोड़ी बताएंगे, उसका लॉजिक क्या है? देखो ये है भाई साहब कंडक्टर, हालो नहीं है, ठीक है। कंडक्टर को जब कोई चार्ज आप प्लस क्यू दोगे और अगला प्लस क्यू दोगे, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से कितनी मोहब्बत से रहते जानते हैं, ये इनको क्या करेंगे? रिपल करेंगे। पहली बात तो याद नहीं देंगे इनको, कहा चला रहा बे, और वो तो आएगा, बोले हम तो आएंगे बे, तो उसको जो करना हो कर ले, तो क्या करेगा? वो इसे एक दूसरे को रिपल करके कोशिश करेगा कि एक फिक्स डिस्टेंस पे आ जाए, जिससे कि हम पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ये यहां से यहां खिसक गया, जा तू बैठ बे, हम नहीं बात करते, हमने और एक लड़के को घुसेड़ दिया, एक भी बैठ जाओ क्लास, क्योंकि कंबाइंड क्लास चल रहा ना, दो बैठे थे, तीसरा भी बैठा दिया, अब और रिपल्सन होगा, तो और कुछ अब मजबूरी है, मास्टर ने उसको कहा बैठो जाकर के, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो, तो और दूर हो गए, ये यहां से यहां पहुंच गए, और एक लड़के को हम जा बैठो जाकर, तो सब बेचारे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और दूर होते कहां तक का दूर होगी? एक फिक्स दूरी क्या है, तो यहां तक दूर हो सकते हैं, आउटसाइड, इससे ज्यादा दूर हो नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद कौन है? एयर है, और एयर क्या है? इंसुलेटर है, चार्ज की बैड कंडक्टर है, हाँ उसे ब्रेक किया जा सकता है,
उतना हाई इलेक्ट्रिसिटी होगा जब, तो ठीक है। तो यानी कि किसी चार्ज कंडक्टर में चार्ज आउटसाइड साइड करते हैं, ध्यान से सुनिए केवल, अब आप सुनना ही पड़ेगा, आपको समझना है तो ठीक है, ठीक है। जैसे कहानी होती ना, जैसे एक आदमी कभी कथे में जाता था, एक आदमी उसकी वाइफ ने बस्ती भेज दिया, तो वह जब कथा में चले गए और वहां जाके सो गए, नहीं आप वही बात नहीं कर रहे, सो गए, तो जैसे वो पहुंचे बड़े आदमी के लोगों ने कहा आइए 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 बैठिए 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 बैठिए, और सो गए। और सोने के बाद जब सब कथा खत्म हो गई तो टेंट वाले ने कहा जाइए जाइए जाइए, तो घर में वाइफ ने पूछा कथा सुन किया है, बोले हाँ, बोले क्या मिला, कहने वहां आइए जाइए बैठिए आइए बैठिए जाइए, वाइफ समझ गई सो गया था, बोले ठीक ये मंत्र बढ़िया है, आज से तुम मंत्र पढ़ा करो, यही मंत्र आपके लिए, वो बैठे आइए बैठिए आइए बैठिए जाइए, उनके घर में चोर आया और रात में मंत्र पढ़े आइए, चोर ने समझाया कि जान गया, देर बोले बैठिए, बैठ गया, जाइए, अरे अरे महाराज जी आप तो अंधेरे में जान गए, वो आगे सरेंडर कर गया उनके आगे, महाराज जी आप, वाइफ ने कहा देखा तुम वहां जाके तो सो गए थे, गलती से आप चले गए, कथा हो रही थी और तीन चीजें आप सीख करके आए और एक चोर ने आपके सामने सरेंडर कर दिया, और रियली में आप पूरा सीख लेते तो कितने महान जाते, बाद में कथा जाने लगी और तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सुन लोगे काम चल जाएगा, आज की बात समझ में आएगी, फॉर्मूला भी समझ में आएगा। आप देखो समझ में आ गया, किसी कंडक्टर में बाहर को चार्ज रिजाइड करता है, उसके बाहर जा सकता है, लेकिन इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कि बाहर वाली जो एयर है ना उसको भी ब्रेक कर दे, उसकी इंसुलेशन को ब्रेक कर दे, तो बाहर चला जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं जाएगा। अब हमने इसको चार्ज दिया, हमने फिलहाल इस कंडक्टर के दो सर्फेस माने, एक सर्फेस ये और एक सर्फेस ये, बात कही एक सर्फेस ये एक सर्फेस, ठीक। तो हमने कहा एक सर्फेस इसमें वन है और एक सर्फेस इसमें टू है, और हमने इसको प्लस चार्ज दे रखा है, तो प्लस चार्ज दिया है तो प्लस चार्ज कहां रिसाइड करेगा, इसके आउटर सरफेस पे। अब प्रॉब्लम ये है भाई साहब, इसमें हमने ये तो बताया नहीं चार्ज दिया कितना, क्यों दिया, कितना दिया, हमने ये कहा चार्ज दिया, ठीक है। तो हमने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली, हमने मान लिया लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो देखो ध्यान से, हमने ये सरफेस जो वन माना है ना, एक पतला सा सरफेस है उसमें प्लस चार्ज है, एक सरफेस टू है, किसी भी सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अभी आपने प्रूफ किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस ई वन इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड सेकेंड सरफेस दैट ऑफ ड्यू टू सेकेंड सरफेस, अमन साहब आपको दिक्कत तो नहीं हो रही ना इससे, हिंदी में क्या लिखते जाइए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हिंदी के साथ ले सकते, ई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अगर आपका जो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहां पर, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस भी यहां इफेक्ट करेगा, सेकेंड सरफेस भी करेगा, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर दूर की तरफ, और सेकेंड की वजह से भी क्या किधर होगा, दूर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती, प्लस से दूर, वो सही है, प्लस से माइनस की ओर। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब प्लस से माइनस की ओर आप बता रहे हो, प्लस है माइनस कहाँ है आपके इन्फिनिटी में है, वहां कहीं पर देखो जाके वो है, वो अगर उधर जा रहा है तो वो अंत में कहां पर मर्ज होगा जाकर के, नेगेटिव होगा। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तभी क्या होगा, दोनों दूर की तरफ होगा ई1 ई2। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वो पी इधर भी हो सकता है और इधर भी होता है, इसलिए हमने दोनों तरफ पी मान लिया, पी ऐसे ही मान लिया, ठीक है। तो E बराबर क्या करोगे, दोनों को उठा के प्लस कर दो, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तुमने कल आप आए थे, जरा प्रूफ देखिए, पहले इसका मतलब समझिएगा, इन्होंने कहा कि दो जो है इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं, शीट्स हैं, शीट बोले पतली, अब शीट का मतलब क्या होता है, अगर हम भी कहें कि बेड शीट ले आओ, इतना मतलब मोटा गद्दा ले आओ, शीट मतलब पतली, इतनी पतली जिसमें सरफेस कितने होंगे, एक मान लीजिए, इतना एक सी, मतलब दो सरफेस नहीं है, एक सरफेस,
और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो की वजह से, एक शीट की वजह से निकालना आपको आता है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब दो शीट रखेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिव चार्ज देके देखते हैं पहला केस, और दोनों को नेगेटिव चार्ज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि बोथ आर हैविंग कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के पास धनात्मक आवेश। अच्छा आप कहेंगे हिंदी में कहे तो बोलते हो बेटा, ज्यादातर अंग्रेजी जरूर रखते हो, तुम्हें समझ में आता है इसलिए मैं करता हूँ, मजबूरी होती है, कान पर लड़का नहीं पड़ता है, उसके बाद पड़ा अंदर पड़ी, उसे हमने कहा सबको वीडियो भेजा हमने सर छी व थोड़ा दिक्कत है इंग्लिश में, तुमका फिट रहो क्या बात है। देखो ये एक शीट है, बहुत पतली शीट है, ऐसी ये पतली शीट, पतली शीट क्या बताए, हम सोचते गर्मियों में आठ शीट है थोड़ी सी डिजाइन बनाने बनाने नहीं आता। ये एक शीट है मान लिया, अब शीट को ऐसे रुकिया बनाई या नहीं, शीट को ऐसे नहीं दिखाने जा रहे हैं, शीट को ऐसे दिखाने जा रहे हैं, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ये केवल इसका किनारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक डायग्राम में स्फीयर को बनाया उन्होंने, ये एक स्फीयर है, एक सर्कल है, ये करंट जा रही है, करंट आ रही है, सर्कल दिखाई पड़ेगा, सर्कल कैसे दिखाया उन्होंने, ऐसे रख दिया, सर्कल होता है उसको ऐसे रख दिया, तो आपको ये चीज को दिखाई पड़ रही सर्कल की, ठीक है। तो ये शीट है और इसको आपने शीट नंबर वन है और ये शीट नंबर टू है, शीट नंबर वन है और ये शीट नंबर टू है, आपने दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज ये इसके सरफेस पे लाई करेगा। अब आप कहेंगे साहब इधर दिखाएं कि इधर, चाहे इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, क्योंकि आप थिन शीट मान रहे हो, आप ये मान रहे हो कि दोनों में एक ही सरफेस है, कि दो सरफेस नहीं है, इसको भी आपने अंदर ही दिखा दो, गलत की बात दिखा नहीं सकते हो, इसको प्लस चार्ज दिया, चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, तो हम पर यूनिट एरिया चार्ज इसमें सिग्मा वन और सिग्मा टू होना चाहिए, यानी इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा वन है, इसमें कितनी है सिग्मा टू, ये पूरी लैंग्वेज आपकी हल्की फुल्की डायग्राम में ही क्लियर होगी, ठीक है। तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E1 is equal to क्या आएगा सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन नॉट एंड दैट ऑफ ड्यू टू सेकेंड शीट, ये दैट ऑफ लिख सकते हैं ना, हम तो फिजिक्स वाले आदमी मैथ वाले तो उनको अंग्रेजी नहीं आती है, उसका मतलब ही निकलता है ना, तो E2 is equal to लिखेंगे तो आएगा सिग्मा टू अपान टू एप्सिलॉन, दस सावधान। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी पॉइंट हो सकता है पी पॉइंट, और पॉइंट यहां भी हो सकता है, ठीक है। अगर पॉइंट पी पे निकालना चाहते हो, पी इधर हो चाहे पी इधर हो, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ईवन किधर होगा प्लस से दूर, और ई टू किधर होगा प्लस से दूर, दोनों ही दूर की तरफ होंगे, यहां पर भी ऐसे ही होगा प्लस से दूर और प्लस से दूर, यहां पर अगर निकालोगे क्या होगा ईवन प्लस से दूर और यहाँ E2 प्लस से दूर, कौन बता रहा है जीरो, हमें भी कुछ नहीं मालूम, तो दिशा हमें बता रहा है, ठीक है। अगर हम एट पी निकालना चाहते हैं, किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं एट पी, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, E बराबर दोनों को प्लस कर दो, E1 प्लस E2 हो जाएगा E1 प्लस E2, बोले तो सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से वन अपॉन टू एप्सिलॉन काउंट हो जाएगा, आएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, ये क्वेश्चन नंबर इसको वन डाल दो, समझ में आई बात, ठीक है। यहां तक पहुंचिए जरा, अब देखिए अगर आपको एच क्यू निकालना हो, क्यू पॉइंट पे निकालना हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि ईवन ई टू दोनों एंटी पैरेलल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, E इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, तो यहां पर यही फॉर्मूला ले दो, इसमें वन अपान टू एप्सिलॉन काउंट हो जाएगा, क्या देगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अब यहां पे एक स्पेशल केस रख देते हैं,
स्पेशल केस, स्पेशल केस। अगर दोनों में सरफेस टेंडेंसी सेम हो तो इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा मान ले, तो बाई इक्वेशन वन देखिए, बाई इक्वेशन वन एट पी, पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एट पी, ई कितना निकलेगा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या निकलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और एट क्यू क्या निकलेगा ई बराबर जीरो नहीं ले रहा, रखे देखो दोनों माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक नोट करिए कैसा दिया था सेम। अब कहते हैं बोथ आर हैविंग डिफरेंट चार्जेस अपोजिट चार्जेस, दोनों का कैसा है अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस मतलब एक के पास प्लस है तो एक के पास माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है ठीक है, ये सिग्मा और सिग्मा टू हमने माना ठीक है, इवन ई टू वैल्यू वही आएगी ठीक है, लेकिन जब P पॉइंट पे आप आएंगे तो ऐसा करो P पॉइंट को मान लो यहां चलेगा और Q पॉइंट को मान लो यहां, बस पॉइंट चेंज कर दो आपके पास काम बढ़िया हो जाएगा ठीक है। P पॉइंट पे आएंगे तो E1 किधर होगा प्लस से दूर, E2 किधर होगा माइनस की ओर, ये होगा ना। अब देखिए दोनों रेफरेंस सेम हो गई, अगर P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो प्लस से दूर माइनस की ओर, दोनों को सेम डायरेक्शन है, दोनों को क्या करोगे प्लस कर लोगे आ जाएगा। अच्छा अगर Q पे निकालोगे क्यों पे निकालोगे क्या होगा प्लस से दूर और माइनस की और E2 उल्टा हो जाएगा ना, E2 किधर होगा इधर हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा माइनस कर दोगे ठीक है, और जब दोनों को इक्वल करोगे तो P पे वैल्यू कितनी आएगी Q पे कितनी आएगी ये और P पे कितनी आएगी, नहीं उल्टा लिख दिया क्या, ये सही तो है एट P, P पे कितनी निकलेगी दोनों को प्लस कर दोगे और Q पे कितनी निकलेगी जीरो हो जाएगा, समझ में बात नहीं आई दोबारा नोट कर लो, बोले अपना बढ़िया है अपना उसी में चेंज कर जाओ, हम क्या करेंगे नोट करके लग जाए P को Q पढ़ा जाए तो बड़ी काम करता है नोट करके ठीक है। तो ये चैप्टर गॉस थ्योरम का खत्म हुआ, के बाद देखते हैं क्या श्री गणेश करना नोट करिए इसमें।